हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जून से लेकर के जुलाई तक के टॉप 70 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसमें मैंने वे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो पूरी वीडियो को बिना कहीं मिस किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसका जो PDF होगा, क्योंकि आपका सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि इसका PDF, तो इसका PDF मैं आपको बता दूं कि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इसका PDF अपलोड कर दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि BSNL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा प्रवीण कुमार पुरवार। ठीक है, प्रवीण कुमार पुरवार को BSNL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि BSNL की स्थापना कब हुई थी, तो BSNL की स्थापना जो हुई थी 2000 ईस्वी में की गई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इसके तहत पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया। तो सुनील छेत्री जी जो हैं, इनको पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। लेकिन फ्रेंड्स, अगर महिला के बारे में पूछ लिया जाए कि महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो आशा लता देवी को चुना गया। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, और ये इम्फाल से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट होता है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ही रहा फ्रेंड्स कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खसरा मुक्त किस देश को हाल ही में घोषित किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो WHO है, हाल ही में श्रीलंका को खसरा मुक्त घोषित किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न हो जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन जाता है। और इसकी स्टार्टिंग कब से की गई थी, यानी कि जो UNO है, तो UNO ने इसकी घोषणा कब की थी कि प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसकी स्टार्टिंग की गई थी 1989, यानी कि 1989 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता कि रेलवे परिसर में PDW यानी कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के खतरों को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है ऑपरेशन थ्रस्ट। ठीक है, ऑपरेशन थ्रस्ट नामक एक अभियान स्टार्ट किया गया जो कि रेलवे परिसर में PDW यानी कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के खतरों को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन। तो देखिए, सिक्स क्वेश्चन ये रहा कि फीफा अंडर 17 विश्व कप 2019 की मेजबानी कौन करेगा। तो इसकी जो मेजबानी है वो ब्राज़ील करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि फैन मोजो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। फैन मोजो का ब्रांड एम्बेसडर पृथ्वी शाह को बनाया गया। और आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी शाह पर हाल ही में आठ महीनों तक का इनको बैन कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि DRDO ने किस जगह पर एक मिसाइल परीक्षण सुविधा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी हाल ही में हासिल की है। तो देखिए, DRDO जो है, इन्होंने एक मिसाइल परीक्षण सुविधा केंद्र स्थापित करने की हाल ही में एक मंजूरी प्राप्त की है। और वो कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश का एक गांव है, गुलाल मोड़ा गांव। ठीक है, गुलाल मोड़ा गांव में एक नया मिसाइल परीक्षण सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा DRDO के द्वारा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि मीडिया की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के विषय पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत की पहली न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये की गई है तमिलनाडु के पोट्टीपुरम में। ठीक है, तमिलनाडु के पोट्टीपुरम में की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय कार्यक्रम जो भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त, यानी कि भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी छात्र होंगे जो उनको आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि विदेश के जो छात्र होंगे उनको भारत में स्टडी करने के लिए आकर्षित किया जा रहा है, तो ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न ये बनता है कि भारत में पहली इथेनॉल से चलने वाली मोटरसाइकिल प्रस्तुत करने वाली कंपनी कौन है। तो ये है TVS। ठीक है, TVS जो कंपनी है, इन्होंने सबसे पहले इथेनॉल से चलने वाली एक मोटरसाइकिल प्रस्तुत की है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के MD और CFO किसे नियुक्त किया गया। देखिए, वर्ल्ड बैंक के जो MD और CFO नियुक्त की गई हैं वो है अंशुला कांत। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंशुला कांत।
अब बात करता हूँ कि अंशुला कांत जो थी इससे पहले किस बैंक की एमडी थी, तो एसबीआई बैंक के एमडी थी और अब इनको वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीएफओ नियुक्त कर दिया गया। अगर मैं बात करूँ कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, वो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास कहाँ से हैं, तो डेविड मालपास अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2018 किसे मिला है। तो युवा पुरस्कार की अगर बात करें तो युवा पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए मिला है अमित पाठक। ठीक है, अगर इनकी अगर बात करें कि इनकी किस कार्य के लिए इनको दिया गया, तो कविता इनकी जो संग्रह है, क्या नाम दिया गया, राग उपराग। ठीक है, राग उपराग इनकी कविता संग्रह, इसके लिए इनको युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहीं पर बात पूछ दिया कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, बाल साहित्य अवार्ड अगर पूछ लिया जाता, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होता ऋषि वशिष्ठ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऋषि वशिष्ठ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि मैथिली भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी 2018 किसे दिया गया, तो ये ऋषि वशिष्ठ को दिया गया। इनकी जो पुस्तक थी यानी कि इनकी जो काव्य संग्रह थी, एक फुलक गुलदस्ता के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, जुलाई 2019 में फीफा की रैंकिंग में भारतीय महिला फुटबॉल संघ का स्थान क्या है, जो कि हाल ही में जारी हुआ है फीफा रैंकिंग, तो इसमें भारतीय महिला फुटबॉल संघ का स्थान क्या दिया गया, तो इनको मिला है 57th। ठीक है, 57th रैंक इनको दिया गया महिला, भारतीय महिला फुटबॉल संघ को। अगला प्रश्न देखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मैं यहाँ पे वीवीआई इसको लिखने वाला हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। विंबल्डन 2019 महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो इन्होंने जीता सिमोना हैलेप, जो कि रोमानिया देश से बिलोंग करती है। आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रोमानिया की जो इसकी राजधानी क्या है। ठीक है, रोमानिया देश की राजधानी क्या है। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि विंबल्डन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ऊपर में हम लोगों ने बात किया था महिला एकल का, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें पुरुष एकल का खिताब किन्होंने जीता है, तो इन्होंने नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व युवा कौशल दिवस जो प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हुसैन मोहम्मद इरशाद का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो वो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह भारतीय जिन्हें थाईलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन की मानद फेलोशिप प्राप्त हुई है, तो ये है पी रघुराम। ठीक है, पी रघुराम को थाईलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन की मानद फेलोशिप प्राप्त की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 76वां देश कौन बना है, तो ये है पलाऊ। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पलाऊ लिखा गया, तो पलाऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी राजधानी क्या होती है, तो जरूलमद इसकी राजधानी होती है। फ्रेंड्स अब मैं आपसे एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है फ्रेंड्स कि पंजाब और उड़ीसा सहित 20 राज्य में इंटरनेट के उपयोग के बारे में ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से डाटा ट्रस्ट के साथ गूगल इंडिया का कार्यक्रम किया है, तो गूगल इंडिया का जो कार्यक्रम बनाया गया है वो है इंटरनेट साथी कार्यक्रम, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि भारत के 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों में पहला स्थान किसे मिला है, तो टाटा ग्रुप को पहला स्थान दिया गया, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगला जो प्रश्न है एकदम वीवीआई प्रश्न है, इस चीज़ को आप मान के चलिए और नोट भी कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है, तो 18 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 2019 का अर्जुन पुरस्कार जो है वो किसे सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रोहन बोपन्ना और स्मृति मंदाना, अब इन दोनों किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जो रोहन बोपन्ना है वो टेनिस खिलाड़ी हैं और जो स्मृति मंदाना जी हैं वो एक महिला क्रिकेटर है, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है फ्रेंड्स कि जून में वैश्विक थिंक टैंक के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 जारी किया गया था, इस रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की जो रैंकिंग है
141 यानी कि 141वां स्थान मिला है भारत को। अगर प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान मिला है आइसलैंड को। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है, बीजेपी के सांसद 17वीं लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे किनको बनाया गया था? तो प्रोटेम जो स्पीकर बनाए गए थे वो थे वीरेंद्र कुमार। ठीक है, वीरेंद्र कुमार को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं बात करूँ कि जो वीरेंद्र कुमार थे वो यानी कि वो किस जो राज्य है वहाँ के सांसद थे, तो मध्य प्रदेश के जो टीकमगढ़ है वहाँ के ये सांसद थे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, शायद हो सकता है ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कासिम जोमार्थ टोकायेव हैं ये किस देश के राष्ट्रपति बने हुए हाल ही में? और ये फेमस इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि जो काजिकिस्तान है, काजिकिस्तान ने अपना नया नाम बदल दिया है। और इसका जो राजधानी है वो क्या है, यानी कि इसका जो नया नाम होगा वो नूर सुल्तान कर दिया गया। ठीक है, तो नूर सुल्तान इसलिए ये ज़्यादा फेमस हो जाता है कि कासिम जोमार्थ टोकायेव जो है वो काजिकिस्तान के राष्ट्रपति बने हुए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जून 2019 में भारतीय आयात निर्यात बैंक जिसको हम लोग एक्सिम बैंक के नाम से भी जानते हैं, किन दो देशों के साथ समझौता किया है? तो ये घाना और मोजाम्बिक के साथ समझौता किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किर्गिस्तान की यात्रा के दौरान भारत के साथ कितने समझौते हुए हैं? और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका ये किर्गिस्तान यात्रा क्यों था? क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही में एससीओ जो समिट हुआ था 2019 का, एससीओ समिट यानी कि संघाई कॉरपोरेशन जो हुआ था, उसके यात्रा के लिए ये किर्गिस्तान में गए थे, किर्गिस्तान में ही हुआ था। तो वहाँ पर भारत के साथ कुछ समझौते हुए थे और उसमें समझौते हुए थे 15। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भारत के साथ 15 समझौते किए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था कंबोडिया में। कहाँ पे? तो सीएम रीप में हुआ था, कंबोडिया के सीएम रीप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको वीवीआई मान लीजिए, कि डैनी कायो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है किसे दिया गया? डैनी कायो ह्यूमैनिटेरियन जो अवार्ड दिया गया वो प्रियंका चोपड़ा को दिया गया, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर में बताया वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, संघाई सहयोग जो संगठन था, ठीक है, और इसका जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर संपन्न हुआ? तो जो नरेंद्र मोदी जो गए थे किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान की जो राजधानी थी बिश्केक में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, किर्गिस्तान, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने गुप्तचर एजेंसी जो ISI का प्रमुख किसे बनाया गया? तो आप देख सकते हैं कि जो ISI है, पाकिस्तान की जो गुप्तचर एजेंसी होती है ISI, तो उसके जो प्रमुख बने हैं वो बने हैं फैज हामिद। अगर मैं बात करूँ कि इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया, तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि आसिम मुनीर का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पीछे एग्जाम हुआ था SSC का उसमें भी क्वेश्चन ये बार बार पूछा भी गया था 2-3 शिफ्टों में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए एक प्रमुख रणनीति के तहत वर्ष 2030 तक पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किस देश ने लिया है? तो ये लिया है आयरलैंड। यहाँ पे आयरलैंड आपको ध्यान रखना है, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आयरलैंड की राजधानी क्या होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश में DD इंडिया चैनल के प्रसारण के लिए दो देशों के साथ समझौता किया है? तो पहला देश है बांग्लादेश और दूसरा देश है दक्षिण कोरिया, और इन दो देशों के साथ समझौता किया है इनके DD इंडिया चैनल के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने है ये है कि किस स्थान पर गठिया, जोड़ों के दर्द और पैरों की बीमारी से पीड़ित जो हाथी होंगे उनके उपचार के लिए भारत का पहला विशेष हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र खोला गया है? तो ये खोला गया मथुरा में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाथियों के लिए पहला अस्पताल कहाँ खोला गया, तो ये मथुरा में खोला गया। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है जो कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में, और तेलंगाना में किसके द्वारा किया गया? तो इसके उद्घाटन करता थे तेलंगाना के जो CM है K. चंद्रशेखर राव के द्वारा किया गया,
और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट परियोजना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं राघवेंद्र सिंह चौहान बने। अब मैं बात करता हूँ कि राघवेंद्र सिंह चौहान जो है इन्होंने किसका स्थान लिया, तो इनसे पहले जो थे टीबी राधाकृष्णन थे, यानी कि तेलंगाना के जो पहले इससे पहले इन राघवेंद्र सिंह चौहान से पहले कौन थे, तो टीबी राधाकृष्णन। क्लियर। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ओलंपिक समिति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका नया मुख्यालय कहाँ गठन किया गया। तो इसका मुख्यालय नया बना है जो कि लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ कि इसका नया नाम जो है उसको नया नाम क्या दिया गया, तो इसका नया नाम है ओलंपिक हाउस, ठीक है, ओलंपिक हाउस रखा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस वर्ष तक क्षय रोग यानी कि टीबी को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति योजना विकसित की है। तो ऐसा घोषणा किया कि 2025 तक, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऐसी घोषणा की है कि 2025 तक टीबी को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि नीति आयोग ने वार्षिक समग्र स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है और इसमें तीन शीर्ष कौन कौन से, यानी कि तीन शीर्ष जो राज्य हैं वो कौन हैं। तो सबसे पहला स्थान मिला है केरल को, सेकंड स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को और थर्ड स्थान मिला है महाराष्ट्र को, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इम्फाल की लड़ाई की 75वीं वर्षगांठ पर इम्फाल पीस म्यूजियम का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया। तो इम्फाल पीस म्यूजियम का उद्घाटन जो किया गया वो जापान के द्वारा किया गया, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो ये किस क्यों किया गया, तो इम्फाल की जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, इम्फाल की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के करीब ये हो रही थी और उसी समय इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई 2019 में। तो इसके लिए इम्फाल पीस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया जापान के द्वारा। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन हमारा ये बनता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास ने बैंकों और गैर बैंकी जो बैंकिंग वित्तीय कंपनी है उसके विरुद्ध शिकायत को दर्ज करने के लिए एक सीएमएस की शुरुआत की है। और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे पूर्ण रूप बताना है कि सीएमएस का पूर्ण रूप क्या है। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पेपर में ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के प्रमुख जिनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य निर्वाचित किया गया है और ये वो कौन है, तो इनका नाम है नरेंद्र बत्रा। क्लियर। नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति बन चुके हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस भी हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किस यूनिवर्सिटी, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि पुणे में है इसके संस्थापक जो थे साइरस पूनावाला, ठीक है, साइरस पूनावाला को मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया। तो ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे है इसके संस्थापक जो थे साइरस पूनावाला को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि भारतीय गुप्तचर संस्था जो कि रॉ, आप इसको आपको पता होगा कि रॉ जो होता है भारत की गुप्तचर संस्था, तो इसके प्रमुख किसे बनाया गया है, तो इसके प्रमुख जो बने हैं सामंत कुमार गोयल, ठीक है, सामंत कुमार गोयल जी को बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर मैंने एक छोटा सा और भी लिखा है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी, ठीक है, आईबी की अगर बात करें कि आईबी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत सरकार ने क्षय रोग के उन्मूलन हेतु कार्यक्रम के लिए $400 मिलियन का एक ऋण समझौता किसके साथ किया है, तो ये किया है विश्व बैंक के साथ। और आप सभी को पता है कि मैंने आपको पीछे यानी कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है, तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। और अगर आपको MD और CFO के बारे में भी मैंने जो बताया आपको याद है, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि किस देश ने अपने नवीनतम पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो कि JL-3 नाम से सफल परीक्षण किया, तो ये किया है चीन ने। तो ध्यान रखिएगा कि JL-3 जो सफल परीक्षण किया है बैलिस्टिक मिसाइल है किस देश का है, तो ये चीन का है। क्लियर। अब देखिए अगला प्रश्न ये बनता है कि किस मंत्रालय ने पूरे देश में 30 जून 2020 तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की है, तो ये की है खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है इन्होंने की है कि
30 जून 2020 तक ऐसा क्या होगा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ 2019 में, ये कहाँ पर संपन्न हुआ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके आने वाले किसी भी पेपर के लिए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो G20 शिखर सम्मेलन 2019 जो संपन्न हुआ है वो हुआ है जापान का एक शहर है ओसाका, ठीक है, ओसाका में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो कृष्ण स्वामी नटराजन जी को नियुक्त किया गया। लेकिन अगर आपसे यहाँ भी ये भी पूछा जा सकता है कि कृष्ण नटराजन स्वामी जो है इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया, तो ये राजेंद्र सिंह के स्थान ग्रहण किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये बनता है फ्रेंड्स कि भारत के पहले डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर यानी कि जिसका नाम है फैशनोवा को कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये किया गया सूरत में, ठीक है। सूरत कहाँ पर पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स ये है कि विश्व का सबसे बड़ा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी संस्थान कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हाल ही में शुरू किया गया था जून के महीने में, तो ये कहाँ पर किया गया था, तो ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका में शुरू किया गया। और इसका जो नाम है, इस संस्था का नाम क्या रखा गया, तो शेख हसीना नेशनल बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट रखा गया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स ये है कि 6 जुलाई 2019 को भारत के किस शहर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, तो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। और इसके साथ ही भारत जो है, भारत में कुल 38 जो स्थल हैं वो विश्व विरासत स्थल में शामिल हो चुके हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि अंतरिम प्रमुख नामित किया गया किसका, तो मैं आपको बता दूँ कि जो IMF है, ठीक है, IMF यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसके अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि IMF के अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो डेविड लिप्टन को नियुक्त किया गया। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि डेविड लिप्टन ने किसका स्थान ग्रहण किया, तो क्रिस्टिन लेगार्ड जो है इनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया था, क्लियर। अब देखिए अगला प्रश्न ये बनता है कि फीफा महिला विश्व कप 2019 का आयोजन किस देश में किया गया, तो फीफा महिला विश्व कप 2019 का आयोजन जो किया गया वो किया गया फ्रांस में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसके विजेता कौन है, तो इसके विजेता जो रहा वो USA रहा, किसको हराकर, तो नीदरलैंड्स को हराकर 2-0 से, ठीक है, 2-0 से हराकर अमेरिका विजेता रहा नीदरलैंड को हराकर, क्लियर। अब देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में प्रोसेको हिल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोसेको हिल्स को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, यह किस देश में पड़ता है, तो यह पड़ता है इटली में। इटली में आपका प्रोसेको हिल्स यानी कि प्रोसेको हिल्स की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है, तो इटली में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से मैं कुछ छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जो इटली है इसकी राजधानी आपको बतानी है, इसकी मुद्रा आपको बतानी है, और एक प्यारा सा एक और क्वेश्चन से कि जो विश्व विरासत दिवस होता है, विश्व विरासत दिवस आपको कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की, मैंने यहाँ पे आपको 72 क्वेश्चंस कराए हैं, तो और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की रोज़ाना न्यू वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।